हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष, एनएल पी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। बच्चों की डिमांड है कि सर क्लास पे वीडियो बनाइए, लेकिन क्लास पे बनाने में ये दिक्कत है कि क्लास बड़े एलोबरेट करना पड़ते हैं और वो एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इतनी समझ सीखना अभी थोड़ा टाइम ले लेगा। तो 8 क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन पे, और एरर डिटेक्शन में ही वो ये चीज़ पूछता है। तो ये पहला जो वीडियो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस पे है। कंडीशनल के जो स्ट्रक्चर हैं वो यदि आप समझ लेते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, कंडीशनल में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, इफ क्लास या अनलेस क्लास बोले हम, कि इफ वाला जो सेंटेंस रहेगा वो पहला रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके साथ जो दूसरा रहता है वो सब्जेक्ट और विल, शेल या मॉडल भी आ सकता है, कैन कुड वगैरह, वो फर्स्ट फॉर्म इफ क्लास। सेकंड में देखिए तो इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब पास्ट इंडेफिनेट में आ गए हम, वो सेकंड जो होता है वो सब्जेक्ट, ये पास्ट फॉर्म हो गई सबकी, ये फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तीसरा जो होता है वो इफ क्लास होता है सब्जेक्ट और हेड, मतलब पास्ट परफेक्ट, और दूसरा जो होगा ये भी परफेक्ट कर देंगे हम, तो हम मॉडल देंगे और मॉडल के साथ में हैव रख के थर्ड फॉर्म दे देंगे, हैव रख के थर्ड फॉर्म दे देंगे, ये मॉडल साथ में थर्ड फॉर्म। ये 3 स्ट्रक्चर की नॉर्मली कंडीशनल में चलते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये इफ क्लास कभी भी फ्यूचर में नहीं आता है, कभी भी फ्यूचर में नहीं आएगा। अब यदि फ्यूचर में नहीं आएगा तो हमने पहली चीज तो यही सबसे ज्यादा वो गलती भी आपको इसी में देगा। देखिए, क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आसानी से आएगा। पहला है द पेशेंट विल नॉट गेट वेल, पेशेंट विल नॉट गेट वेल, ये दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला दे दिया उसने, द पेशेंट विल नॉट गेट वेल, मतलब पेशेंट ठीक नहीं होगा। कब नहीं होगा? शर्त क्या है? अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस में इफ नॉट शामिल होता है, मतलब अनलेस हम देखें तो अनलेस के बराबर होता है इफ, वो इधर आके नॉट भी लगता है, तो इफ नॉट के बराबर अनलेस, जब तक नहीं, वो कौन सी शर्त पूरी नहीं करता है? अनलेस ही विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, जब तक वो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता। अब अनलेस के साथ नॉट तो वैसे ही शामिल है, तो यहाँ नॉट की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी, यदि हम इसको हटा दें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये विल भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अनलेस या इफ क्लास के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। कंडीशनल मतलब शर्त सूचक, तो शर्त ये हमने पूरी कर दी, ये हमने हटा दिया, तो सेंटेंस सही हो गया। सेंटेंस क्या बना? जब तक कि पेशेंट डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। दूसरा देखिए, इफ वी विल कैच अ फ्लाइट, ये देखिए फिर वही गलती, इफ के साथ विल आ गया तो गलत है। इफ वी कैच अ फ्लाइट, यदि हम फ्लाइट को कैच करें, मतलब पकड़ ले फ्लाइट, इंस्टीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जगह पर, वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम, तो हम समय पे पहुंच जाएंगे। हिंदी में ध्यान रखिएगा कि हिंदी में हम कंडीशनल और उसका सपोर्टिंग क्लास दोनों को हम फ्यूचर में बोलते हैं। जैसे यदि आप पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू स्टडी यू विल पास, तो हिंदी में हम दोनों फ्यूचर बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में इसको फ्यूचर में नहीं रखते, इफ या अनलेस क्लास को। अगला देखिए, इफ आई वन अ मिलियन डॉलर्स, वन सेकंड फॉर्म दे दी, मतलब हम इस वाले में हैं, इफ आई वन अ मिलियन डॉलर्स, यदि मैं 10 लाख मिलियन डॉलर जीत लूं, आई वुड हैव, अब देखिए ये उसने फर्स्ट फॉर्म दे दी जबकि हमारे पास है आई वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, तो हम इसको यदि ईडी लगा दें, आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ माय ओन, तो यहाँ मिस्टेक है, दिख रही है ना आपको? तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए। देखिए आगे, इफ आई हैड नोन, अभी इफ आई हैड नोन ये वाला है, इफ आई हैड नोन दैट यू आर गोइंग टू द मूवी, यदि मुझे मालूम होता कि तुम मूवी जा रहे हो, आई वुड ग्लेडली अकम्पनीड यू, अब देखिए वुड है, gladly adverb डाल दी और accompanied लिख दिया, मतलब ये would है और third form डाल दी, तो ये have कहाँ गया भाई? तो have नहीं है तो गलती हो गई, तो हाँ आप have यहाँ लगा दो, I would have gladly accompanied you, तो मैं भी खुशी से तुम्हारे साथ चलता,
अगला, आई वॉज लुकिंग एट द ट्रीज, मैं पेड़ की तरफ देख रहा था। वेन आई फेल ऑफ, कहां पर है, यहां पर है हम, वेन आई फेल ऑफ। सेकंड फॉर्म, फेल ऑफ द बाइक, मैं पेड़ की तरफ देख रहा था जब मैं बाइक से गिरा। इफ आई हैडंट बीन लुकिंग एट द ट्रीज, यदि मैं पेड़ की तरफ नहीं देख रहा होता, आई वुडंट हैव, देखिए फिर सेकंड फॉर्म दे दी जबकि हमको थर्ड चाहिए हैव के बाद, तो इसको फॉलन कर लीजिए, आई वुडंट हैव फॉलन ऑफ द बाइक, तो यहाँ गलती आ जाएगी। अगला, इफ आई हैव नोटिस्ड हर, इफ आई हैव नोटिस्ड हर, तो इफ के साथ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, यहाँ तो कहीं प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो गया, तो इसको हमको ठीक करना क्या पड़ेगा, हेड, हेड वाला है हमारे पास। इफ आई हैड नोटिस्ड हर आई वुड हैव ग्रीटेड हर, तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इफ आई हैड नोटिस्ड हर, यदि मैंने उसे देखा होता, आई वुड हैव ग्रीटेड हर, तो मैं उसको ग्रीट कर देता। शी विल लूज ऑल हर फ्रेंड्स, शी विल लूज, ये वाला है, शी विल लूज ऑल हर फ्रेंड्स, वो अपने सारे दोस्तों को खो देगी। इफ शी कंटिन्यूज, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ शी कंटिन्यूज टू बी टॉकिंग अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक्स, बैक मतलब पीठ पीछे, पीठ पीछे यदि इसी तरह की बातें करती रहेगी तो सारे दोस्तों को खो देगी, तो इसमें कोई गलती नहीं, ये एकदम करेक्ट है। इफ आई हैव स्टडीड हार्डर, देखिए फिर हैव आ गया है, जबकि हम देख चुके हैं कि इफ में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता है, तो इसको हम हेड कर दीजिए। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, यदि मुझे, मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड, तो आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इफ वी विल रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, अब देखिए फिर इसके साथ विल दे दिया, ये विल आप हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। इफ वी रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, क्यों, क्योंकि इफ क्लास के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता। वी विल श्योरली कैच द फ्लाइट, यदि हम एयरपोर्ट पे समय पे पहुंचेंगे तो वी विल श्योरली कैच द फ्लाइट, तो हम श्योरली फ्लाइट पकड़ लेंगे। इफ यू वरंट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, यदि आप अफ्रेड नहीं होते, अफ्रेड मतलब डरना, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, यदि आप स्पाइडर से नहीं डरते, स्पाइडर मतलब मकड़ी, यू वुड हैड पिक्ड इट अप, तो आप उसे पकड़ लेते एंड पुट इट आउटसाइड, और इसे बाहर कर देते या रख देते, फेंक देते, जो भी आए। इसमें भी कोई गलती नहीं क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसके एरर में बहुत सारे क्वेश्चंस, एक दो तो आते ही आते हैं, तो यदि एक भी आ रहा है, ये तीन स्ट्रक्चर आप ध्यान कर लेते हैं, उसमें भी मोस्टली ये ध्यान रखते हैं कि इफ या अनलेस के साथ विल नहीं आता है, तो इसकी गलती आप इजीली ठीक कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।